नाज़रीन सलामुअलैकुम, मैं आपका मेज़बान अथर काज़मी आपके पसंदीदा प्रोग्राम सेहतमंद ज़िंदगी में आपका इस्तकबाल करता हूँ। आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं इस बदलते मौसम के बारे में और इसमें होने वाली बीमारियों के बारे में। गर्मी का मौसम यकीनन बीमारियों को लेकर आता है और जब सर्दी आने लगती है तो हर डॉक्टर भी ये कहता है कि हेल्दी सीज़न आ गया। गर्मी के इस सीज़न में कौन कौन सी बीमारियाँ जो आम तौर पर अटैक करती हैं किसी इंसान पर और कैसे उससे बचा जा सकता है। आई नाज़रीन, हम डॉक्टर उमंग खन्ना का इस्तकबाल करते हैं अपने स्टूडियो में और इस गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। बहुत बहुत खैर मकदम, बहुत स्वागत डॉक्टर साहब। पहला सवाल यह है कि जो मौसम बदल रहा है जिस तरह की गर्मियों में और गर्मियों के सीज़न में बहुत सारी बीमारियाँ आ जाती हैं, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, तो कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिनको हम अपनी फेहरिस्त में अपनी किसी उसमें ले सकते हैं कि जिस पे आप बात कर सकते हैं आज इस गर्मी के मौसम में? डॉक्टर साहब, ये बहुत अच्छा सवाल उठाया आपने। मैं अपने दर्शकों को बता दूं, हमारे साथ इतने बढ़िया जो एंकर हैं वो भी डॉक्टर हैं, तो मैं इनको डॉक्टर साहब का ही मुखातिब करूँगा, तो आप डॉक्टर साहब को मतलब समझ जाइएगा, एक बेहतरीन इंसान। और खदीजा टीवी को पहले सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगा कि वो ऐसे समाज हित के कार्यक्रम करा रहे हैं। तो जब भी आप लोग बुलाते हैं मैं खिंचा चला आता हूँ चैनल की ओर। आप दीनी और जो आम इंसान के लिए फ़ायदेमंद है वो कार्यक्रम करा रहे हैं, जैसे कि आज आपने ये विषय उठाया। आपने बहुत बढ़िया विषय इस खदीजा टीवी ने आज उठाया है कि गर्मियों में कौन सी बीमारियाँ। गर्मियाँ बीमारियों का समझिए बिल्कुल एक बिल्कुल हुजूम है। आप देखते होंगे, सारे दर्शक हमारे एक्सपीरियंस करते होंगे कि जब भी गर्मी होती है तो पूरे अस्पताल भर जाते हैं, अस्पतालों में बाहर तक स्ट्रेचर लग जाते हैं और मरीज एडमिट रहते हैं। तो तमाम बीमारियां गर्मियों में फैलती हैं और सभी जानते हैं कि जाड़े को हेल्दी सीज़न कहा जाता है और गर्मी को बीमारियों का सीज़न कहा जाता है। रही बात गर्मियों में बीमारियों की, तो तमाम बीमारियाँ सबसे पहले आप लोग रूबरू होंगे कॉलरा से यानी हैजा से। जॉन्डिस आमतौर पर फैलता है, टाइफाइड आमतौर पे गर्मियों में फैलता है, चेचक यानी चिकन पॉक्स, खसरा यानी मीजल्स, हीट स्ट्रोक, स्किन की टैनिंग। उसके बाद हम आ जाते हैं तो जितने भी वाटर बॉर्न डिजीज़ हैं वो सारे गर्मियों में फैलते हैं और अस्पतालों को मरीजों से भर देते हैं। डॉक्टर साहब, आपने ये सारी डिटेल में बता दिया, तो हम कोशिश करेंगे कि इन सारी जो बीमारियां हैं छोटी छोटी से बात में, ताकि हमारे नाज़रीन इस बात को समझ सकें कि कैसे किससे बचाव किया जा सकता है। सबसे पहले हीट स्ट्रोक की बात की, ये बहुत ज़बरदस्त पहलू भी है कि गर्मी के मौसम में चाहे वो कोई भी बंदा हो जब भी बाहर निकलता तो हीट स्ट्रोक बेसिकली कैसे डिफाइन किया जाए कि ये हीट स्ट्रोक हो गया किसी बंदे को, उसके लक्षण क्या होते हैं? बिल्कुल, ये बहुत हमारे दर्शकों को इससे सावधान रहने की ज़रूरत है। हीट स्ट्रोक, जब आपके हीट में आप लगातार सन एक्सपोज रहते हैं बहुत डायरेक्ट सनलाइट से, तो वह आपके लिए घातक हो जाता है। उसी स्थिति को हीट स्ट्रोक कहते हैं जब आपको ज़्यादा देर धूप में रहने से फटीग यानी कि वीकनेस यानी कि बेहोशी आने लगे, वही हीट स्ट्रोक की असली एक्चुअल स्थिति होती है। अब हीट स्ट्रोक हो गया, आपको फटीग आ गया, आपको बेहोशी सी कमज़ोरी सी आने लगी, वो स्थिति जैसे ही हो तो उस समय दर्शकों को दो काम करने हैं। एक काम तो करना है आपको कि पानी ORS छाई में जाएं और जो गैर पका हुआ आम होता है, अंबिया जिसे कहते हैं हम लोग अपनी भाषा में, कच्चा आम, उसको जो है उसके पानी को पी लें। उसको कच्चे आम को आप पानी में बॉयल करें और उसको पी लें, उसमें थोड़ा सा हींग और ज़ीरे का पाउडर डाल लें और साथ में होम्योपैथिक मेडिसिन ग्लोनाइन 30 और बेलाडोना 200 ले लें। यह दोनों दवाएं मिलके जो हीट स्ट्रोक हुआ जिसमें कि आपको फटीग आ गया, आपको बेहोशी सी आने लगी है और आपको एकदम से फीवर आ गया है, उस स्थिति से आप तुरंत निकल आएंगे और ये जो आधे घंटे का गोल्डन पीरियड होता है हीट स्ट्रोक के बाद, इसके अंदर आप अपने को रिकवर कर लेंगे। डॉक्टर साहब, अब जैसे आपने बताया कि मेडिसिन भी बता दी, लेकिन हीट स्ट्रोक भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिसमें मिथ होते हैं और बहुत सारी मेडिकल साइंस की ये एक बड़ी सितमज़रीफ़ी कह सकते हैं कि लोग जो है बहुत जल्दी मेडिसिन बताने लग जाते हैं, तो हम हीट स्ट्रोक के बारे में यह क्या इस हीट स्ट्रोक के बाद किसी इंसान को इस हालात में भी पहुंच सकता है कि उसमें मौत भी हो सकती है?
जी हाँ, कोमा तक व्यक्ति पहुंच सकता है। इसीलिए मैंने कहा जो आधे घंटे का पीरियड होता है वो बड़ा क्रिटिकल होता है। जैसे ही किसी व्यक्ति को बेहोशी सी आने लगे धूप से, वो समझ जाए कि उसको हीट का स्ट्रोक पड़ा है। स्ट्रोक मीन्स अचानक आपके सिम्टम आ गए, और उसको तुरंत उसका मैनेजमेंट जरूरी है। आप उसके सर पे पट्टी भी रख सकते हैं, आप उसको खूब ORS पिला सकते हैं, और उसको रेस्ट की मुद्रा में छाई में रख सकते हैं। इस तरह आप हीट स्ट्रोक से निकल जाएंगे। इस हीट स्ट्रोक में बॉडी के ऑर्गन्स कौन कौन से इन्वॉल्व हो जाते हैं जिसकी वजह से आदमी कोमा में या मौत तक हो सकती है? सबसे पहले तो इसमें ब्रेन इन्वॉल्व हो जाती है। आपका ब्रेन इन्वॉल्व होने से, जब ब्रेन में आपको हीट स्ट्रोक का असर आता है, जो ब्लड का फ्लो होता है वो बहुत तेज बॉडी में रश करने लगता है ब्रेन की तरफ, और वही स्थिति बेहोशी की और हीट स्ट्रोक की स्थिति होती है। और जो ब्लड प्रेशर वाले हमारे मरीज़ हैं, अगर किसी को ब्लड प्रेशर है तो उसको ख़ास तौर से धूप में, अब जो धूप आने वाली है, इस बार मौसम विभाग से उत्तर प्रदेश में प्रिडिक्टेड है कि मानसून बहुत कम होगा और हीट वेव्स आएंगी जी। तो इस मौसम में आपको अपने को धूप से बचाना है, क्योंकि हीट स्ट्रोक का बचाव धूप से बचना ही है जी। तो आप डायरेक्ट सनलाइट से बचें। और बहुत से हमारे युवा लोग, मार्केटिंग के लोग होते हैं, जिनको मजबूरन धूप में निकलना ही पड़ता है, तो वो लोग अपने साथ पानी लेके चलें। सर पे अगर महिला है तो स्कार्फ जरूर बांध ले, और पुरुष है तो कैप जरूर लगा ले, और कोशिश करे कुछ ऐसा रूट करे कि सुबह सुबह अपना काम निपटा ले। एक होता है कि आपको मान लीजिए आपके सामने टारगेट है, तो एक होता है कि आप थोड़ा घर से देर से उठे, देर से आपने खाना खाया, देर से आप निकले, और जब आप 12 एक बजे तक निकले तो उस समय बिल्कुल आप डायरेक्ट सनलाइट, जब धूप बिल्कुल सर के ऊपर होती है, आप उस पर एक्सपोज हो गए होते हैं। तो आप कामों को उससे पहले निपटा लें जी। और जो बच्चे स्कूल जाते हैं, जाहिर सी बात 1-2 बजे स्कूल छूटते हैं, उसमें कई ये होता है, बहुत से बच्चे रिक्शे से जाते हैं, तो कुछ रिक्शों पे तो हुड होता है, लेकिन कुछ रिक्शों पे ज़्यादा सवारियां बैठाने के कारण या हुड ख़राब होने के कारण बिल्कुल बच्चे ऐसे धूप में होते हैं, और कभी कभी रिक्शे वाले भी गलत करके बच्चों से ही धक्का लगाते हैं। तो आप लोग गर्मियों में, सारे दर्शक खदीजा TV के जो दर्शक हमको सुन रहे हैं, वहाँ लोग अपने बच्चों को रिक्शे वालों को हिदायत दे दें कि बच्चा हुड को सही कराएं, हुड को ढकवाएं, क्योंकि जाम लगता है। आप देखते होंगे, अगर हम लखनऊ की बात करें तो चाहे लामाटीनियर चौराहा हो, जब बच्चा लामाटीनियर से, सेंट फ्रांसिस से, कैथीड्रल से, उस जोन से छूटता है, तो पीछे का जो लामाटीनियर का चौराहा होता है वहाँ पे जाम लगता है। उसके बाद डालीगंज पे आके जाम लगता है। बहुत से पुराने लखनऊ के हमारे दर्शक सुन रहे होंगे, तो ये रूट है जहाँ पे जाम लगता है, कचहरी वाले तिराहे पे जाम लगता है। तो रिक्शे का हुड को सही कराएं, और रिक्शे वालों को थोड़ी हिदायत दें कि वो बच्चे को थोड़ा रोक ले, चाहे रिक्शे को छांव में ही रोके, क्योंकि वो बहुत बड़ा फैक्टर है। 2-2 घंटा जाम लगा रहता है, और उसके बाद अगर बच्चा धूप में है तो हीट स्ट्रोक की संभावना बहुत प्रबल है। डॉक्टर साहब, अब बच्चे की बात की तो हीट स्ट्रोक में एज फैक्टर कितना काम करता है, यानी बच्चों के लिए कितना नुकसानदेह और ये एडल्ट्स के लिए कितना नुकसानदेह? ये किसी के लिए भी नुकसानदेह है, एडल्ट्स के लिए थोड़ा नुकसानदेह इसलिए हम कह सकते हैं क्योंकि एडल्ट्स में रेजिस्टिव पावर कम हो जाती है। बच्चे तो न्यूट्रलाइज होते हैं, मॉइस्चराइज होते हैं, अच्छे से खाते पीते हैं अपना थोड़ा, लेकिन बुजुर्ग लोगों में तो हीट स्ट्रोक की बहुत संभावना है, क्योंकि उनको तमाम बीमारियां पहले से घेरे होती हैं जी। आपको पहले से डायबिटीज़ है, आपको पहले से ब्लड प्रेशर है, उसके ऊपर आपको गर्मी का हीट स्ट्रोक पड़ गया जी। तो बहुत गलत है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हम बात करते हैं इस समस्या को, आपने मेडिसिन भी बता दी है उसकी, और खास तौर से तो प्रिकॉशंस जो हैं वो क्या माने रखते हैं, और किस तरीके से पानी, फूडिंग, इन सब चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए ताकि इस सब चीज़ों को लेके बचाव किया जा सके हीट स्ट्रोक? देखिए, हीट स्ट्रोक और तमाम बीमारियों से जो गर्मियों में होती हैं, उनके लिए सबसे ज़रूरी यही है कि कुदरत आपको इशारा करती है, आप उस इशारे को समझें। कुदरत आपको क्या इशारा करती है? कुदरत आपको इशारा करती है कि आप रसदार फल आते हैं। आपने देखा होगा गर्मियों में संतरा आता है, गर्मियों में मौसमी आती है, गर्मियों में लौकी आती है, गर्मियों में तोरई आती है, फल और सब्जियां रसदार होती हैं। तो ये कुदरत ये इशारा कर रही है कि आप रसदार फल और सब्जियाँ लें। आप जो है वो ना, तो शरीर में पानी की कमी ना होने दें, पहली बात। दूसरी बात, जब कहीं से गुजरें तो छांव वाली जगह से गुजरें। पेड़ तो अब नहीं रहे लखनऊ में आबादी के कारण,
लेकिन जो है वो छाई की जगह फिर भी आपको चबूतरे गली कूचे मिल जाएंगे। तो अगर आप कहीं जा रहे हैं तो गली कूचे होते हुए चले जाएं, या जहाँ छाँव की जगह वहाँ दो मिनट रेस्ट करके जाएं, लेकिन अपने को ज़्यादा स्ट्रेन पर ना लें। अगर आपने अपने को ज़्यादा स्ट्रेन पर ले लिया तो बहुत संभावना है कि आप हीट स्ट्रोक के शिकार होंगे। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम दूसरी बीमारी की तरफ पलटते हैं, क्योंकि हम आज इस वक्त बहुत कम है, लेकिन इसी वक्त में हम चाहते हैं कि बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो कवर हो जाएं। हम जॉइंटिस की बात करते हैं, क्योंकि इस मौसम में जॉइंटिस भी बहुत अटैक करता है उस पर। तो मेन सबसे बड़ी चीज़ कि जॉइंटिस के लक्षण क्या होते हैं, कैसे पता किया जाए कि सिर्फ आँखें पीली हो जाने से ही जॉइंटिस कहलाएगा या किस और भी लक्षण? तमाम सिम्टम है। सबसे पहले बता दें, जॉइंटिस आपका हिपेटाइटिस ए के इन्फेक्शन के वायरस से होता है। यह वाटर बॉर्न डिजीज़ है और गर्मियों में बहुत कॉमन है। 2 से 3 हफ्ते तक जॉन्डिस रहता है, उसके बाद ये ठीक हो जाता है अगर आप बेड रेस्ट कर लें। अब सबसे बड़ी बात आती है जल्दी पहचान जाना, जो आपने बात उठाई डॉक्टर साहब, बहुत वाजिब बात है कि आप कैसे पहचान लें कि जॉन्डिस है। सबसे पहला तो यही हो गया, इक्टेरस जिसे कहते हैं, आँखों का पीलापन। दूसरा, आपकी पेशाब पीली होने लगती है, आपकी स्किन पीली होने लगती और आपको वीकनेस आने लगती है। तो इसके लिए बहुत आसान है, जॉन्डिस बेसिकली लिवर का इन्फ्लेमेशन होता है। जब लिवर सेल्स का इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो उसको जॉन्डिस कहते हैं। इसके लिए बहुत आसान जांच है, 150 रुपये की जांच होती है, 200 रुपये की। आप एक लिवर फंक्शन टेस्ट या सेरम बिलरुबिन करा लें। बिलरुबिन अगर आपकी 1.2 से ऊपर है, 1.2 से 2 के बीच में लेटेंट जॉन्डिस होता है और 2 के ऊपर दिखने वाला जॉन्डिस होता है, जिसका आपको मेडिकेशन की तुरंत ज़रूरत है। तो आप इसको एक, अगर आपके स्किन में येलोइशनेस आ रही है, आपकी आंखों में 2-4 लोग टोक रहे हैं भाई बड़ा पीलापन है, तो आप एक बिलरुबिन की जांच करा लें, उसमें देख लें। अगर बिलरुबिन आपकी 2 mcg के ऊपर है तो आप जान लें कि आपको जॉन्डिस है और आपको इसके इलाज की तुरंत ज़रूरत है। डॉक्टर साहब, अब ये इससे में लीवर की आपने बात की, क्योंकि जॉइंटिस भी एक बड़ा ख़तरनाक चीज़ है और उसमें इफेक्टेड लोग जो है वो कभी कभी बहुत लेतलाली करते हैं, जिसको हम ये कहें कि प्रिकॉशन से दूर भागते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि इसमें आपने बेड रेस्ट की बात की, क्या जॉइंटिस के साथ साथ लीवर के प्रॉब्लम्स के साथ साथ कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं कि जिससे हम बचा जा सकता है पहले से, के हम प्रिकॉशन ले रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल बचा जा सकता है। प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। सबसे बड़ी चीज़ है, पानी को आप बॉईल करके पी लें तो बहुत अच्छा है, पानी आपको साफ पीना चाहिए। दूसरी बात ये हो गई, चिकनाई का खाना गर्मियों में खास तौर से कम कर दीजिए, क्योंकि जो फैट होता है उसका एसिमिलेशन लिवर में होता है और लिवर पे उससे जोर पड़ता है, जूसेज रिलीज होते हैं। तीसरी बात हो गई कि आप पानी पिए और अगर ज़रा भी वीकनेस लगे तो आप रेस्ट कर लें। और ये 3-4 तरह का हेपेटाइटिस, बेसिकली मैं यहाँ पे हेपेटाइटिस का मुद्दा ला के दर्शकों को उसको भी अवेयर कर देना चाहूँगा। हेपेटाइटिस ए बी सी, ये 3 मेन हेपेटाइटिस होते हैं। हेपेटाइटिस ए जॉन्डिस होता है, आप ये भी समझ लें, कंफ्यूज रहते हैं बी सी और आप लोग, मुझे पता है कि इसमें कंफ्यूज रहते हैं। हेपेटाइटिस ए जॉन्डिस होता है, हेपेटाइटिस बी और सी होता है। हेपेटाइटिस बी लिवर सिरोसिस को कॉज करता है और कैंसर को करता है, और हेपेटाइटिस सी फेटल होता है। तो हेपेटाइटिस बी का कोई वैक्सीन नहीं है, हेपेटाइटिस सी का वैक्सीन है, हेपेटाइटिस ए का भी कोई वैक्सीन नहीं है। चलिए, हम आप इस पे किसी दिन और डिस्कस करेंगे हेपेटाइटिस के बारे में स्पेशली, लेकिन हम क्योंकि बात कर रहे हैं जॉइंटिस के बारे में, तो डॉक्टर साहब अब इसमें हम बात करते हैं फूड के बारे में, फूडिंग। और आपने बताया कि पानी, तो जाहिर सी बात है कि इस मौसम में सबसे बेहतरीन चीज़ है कि पानी साफ और फिल्टर और सही तरह से पिया जाए। तो फूडिंग के बारे में आप क्या बताएं? फूडिंग के बारे में हम बस यही सबसे बड़ी बात जो आपने कही डॉक्टर साहब, कि जो है पानी बहुत साफ पिए, इससे आप टाइफाइड से भी बच जाएंगे। मैं बीच में टाइफाइड का भी मुद्दा ले आता हूँ, इसी के बीच में दोनों को कंबाइन कर देता हूँ। टाइफाइड भी गर्मियों में बहुत फैलता है, आप लोग विडाल कराते हैं और देखते हैं वो पॉजिटिव होता है। तो अगर आप पानी साफ पी रहे हैं तो आप जॉन्डिस से भी बचेंगे और आप टाइफाइड से भी बचेंगे। यहाँ पर मैं टाइफाइड का सिम्टम बता दूँ आप लोगों को, नॉर्मल बुखार और टाइफाइड में फ़र्क बता दूँ यहीं पर, क्योंकि ये गर्मियों की बीमारी है। टाइफाइड का बुखार शाम को चढ़ता है, सुबह 11 बजे तक रहता है और स्टेप लैडर फैशन में उतर जाता है, यानी थोड़ा बढ़ता घटता। हाई ग्रेड 103-104 फीवर होता है, पेट में बहुत दर्द होता है जो कि नॉर्मली रात में होता है। ये है सेल्मोनेला टाइफाई बैक्टीरिया के कारण होने वाला टाइफाइड फीवर। तो दोनों वाटर बॉर्न डिजीज़ हैं, पानी अगर आप साफ पीते हैं तो आप इससे बच जाएंगे। और यहाँ पे मैं तीसरी बीमारी भी साथ ले आता हूँ। मैं चाह रहा हूँ, डॉक्टर साहब ने हमको कह रखा है समय बड़ा कम है, लेकिन मैं अपनी बात को कहने से नहीं रोक पा रहा हूँ। तीसरी बात यहीं पे मम्स आ जाती है।
गर्मियों में एक डिजीज मम्स भी होता है, ये भी वाटर से होता है। जब आपके टॉन्सिल्स में इन्फेक्शन हो जाता है, सलाइवरी ग्लैंड में, सॉरी, दर्शक कंफ्यूज रहते हैं टॉन्सिल और सलाइवरी ग्लैंड में, अगर आपके सलाइवरी ग्लैंड में इन्फेक्शन हो जाता है, जिसको कि पैरोटिड ग्लैंड कहते हैं, तो वो आपका मम्स होता है। यह भी पानी से होता है। अब तीन बातें होंगी, जॉन्डिस, टाइफाइड और मम्प्स। तो आप साफ पानी पिए तो कान के नीचे यहाँ पे जो आपको स्वेलिंग महसूस हो कभी, तो उसको टॉन्सिल से कंफ्यूज ना करें, ये आपके पैरोटिड ग्लैंड की स्वेलिंग है जो कि मम्प्स कहलाती है। यह भी आपको इसी से होता है, गर्मियों में होता है और पानी से होता है, 103 बुखार होता है। लेकिन मम्प्स का बुखार पूरे दिन रहता है और टाइफाइड का बुखार केवल रात में रहता है, सुबह ये उतर जाता है। मम्प्स के बुखार में पेट में दर्द नहीं होता है, टाइफाइड के बुखार में पेट में बहुत दर्द होता है। अरे बहुत, मतलब आपने पूरी इस छोटे से वक्त में सारी चीज़। तो डॉक्टर साहब, अब हम इलाज की तरफ आते हैं, क्योंकि आपने जिससे बात की, तो पहले तो हम बात कर रहे थे फूड के बारे में कि पानी तो बहुत इम्पोर्टेंट है, अब हम फूड के बारे में बात कर रहे थे, जॉइंटिस, टाइफाइड और मम्प्स के बारे में। तो वो फूडिंग के बारे में बता दें ताकि हमारे जो नाजरीन है वो अवेयर हो जाए इस बारे में कि उनके खान पान को भी ध्यान रखा जा सकता है और बहुत सारी बीमारियों से बचा जा सकता है। देखिए, फूडिंग के लिहाज से पहले हम लोग जॉन्डिस की बात कर लें, आपको फैटी फूड नहीं खाना है और कंप्लीट बेड रेस्ट करना है। ये दो चीज़ें अकेले आपका जॉन्डिस सही कर देंगी, तीसरी आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। फिर आता है टाइफाइड। टाइफाइड क्योंकि इसका बैक्टीरिया आपके इंटेस्टाइन में होता है, तो आपको बहुत हल्का खाना खाना है, क्योंकि आप ज़्यादा भारी खा लिए तो आपके पेट में बहुत तेज टाइफाइड में दर्द उठेगा और आंतों का परफोरेशन तक हो सकता है, तो आपको खाना हल्का खाना है। और मम्प्स के सिलसिले में आपको पानी गुनगुना पीना है और इसका तुरंत इलाज कराना है, क्योंकि ये ट्यूब तक ब्लॉक कर देता है। फिर मैं तीनों चीज़ों की यहाँ पे दवा भी जोड़ देना चाहता हूँ अपने दर्शकों के लिए। अगर आपको ज़रा भी पीलापन लगे तो आप चेलिडोनियम मदर टिंचर आता है, केवल आप उसकी 10 बूंद 4 बार पी लीजिए, 3 दिन के अंदर आपका जॉन्डिस सही हो जाएगा। तो मैं ये चाहूँगा कि ये नाजरीन से भी ये अपील है कि आप जरा पेन और अपना कागज रख लें, क्योंकि होम्योपैथी मेडिसिन जो है वो डॉक्टर साहब जो बता रहे हैं उसको नोट कर लीजिए, ताकि आपके आने वाले मुस्तकबिल में काम आएगी। ये डॉक्टर साहब इसको रिपीट कर दें तो ज़्यादा बेहतर। मैं पहले तीनों का इलाज बता देता हूँ। सबसे पहले बात हो जाती है जॉन्डिस की। जॉन्डिस के लिए दवा है चेलिडोनियम का मदर टिंचर। अगर आपके जॉन्डिस की दिक्कत है या पीलापन दिख रहा है, तो एक चेलिडोनियम की शीशी आती है, 100 ml की शीशी ले लें, 180 रुपये की शीशी होती है, और उसकी 10 बूंद 4 बार पी लें, आप देखेंगे कि आप 3 दिन में सही हो गए। चेलिडोनियम इज़ कॉल्ड किंग ऑफ लिवर। फिर आता है टाइफाइड। टाइफाइड की सबसे अच्छी दवा होम्योपैथी में बैप्टीसिया, या मैं कहूँ सिर्फ एक दवा है और वह है बैप्टीसिया। आप बैप्टीसिया टिंटोरिया 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले लें, उससे आपका टाइफाइड कंट्रोल हो जाएगा। और तीसरी बात आती है डॉक्टर साहब मम्प्स की। मम्प्स के लिए बराइटा कार्ब इज़ द हेड रेमेडी। बराइटा कार्ब 30 2-2 बूंद आप दिन में 3 बार ले लें, उससे आपका जो बढ़ा हुआ मम्प्स है उसके साथ आप बेलेडोना 200 और एकोनाइट 30 भी ले लें, या 3 दवाएँ अगर आप ले लेते हैं तो आपका मम्प्स भी ठीक हो जाएगा। बहुत जल्दी में हम लोगों ने इस चीज़ को डिस्कस कर लिया, और हमारे नाज़रीन जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, नाज़रीन यकीनन आपसे भी हमें इस बात की तवक्को है कि आप हमें दुआओं में याद रखें, और हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हम अपना ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर भी आपको इस स्क्रीन पर दे रहे हैं। उम्मीद ये कर रहे हैं कि आप हमें अपने सवाल भी भेजें, ताकि जो यहाँ पर डॉक्टर्स आते हैं उनसे हम वो सवाल लेकर आप तक पहुँचाएँ। डॉक्टर साहब, अब हम बात करें कि और जो बीमारी है उस पर, चिकन पॉक्स और खसरा चेचक, इस पर भी जरा हम जानना चाहेंगे कि इसके क्या सिम्टम्स हैं, क्या लक्षण हैं, और वो हम नाज़रीन को पहुंचाना चाहेंगे। बात हो रही थी चिकन पॉक्स के विषय में, आपने बहुत ठीक बात उठाई डॉक्टर साहब। चिकन पॉक्स इस समय बहुत फैलता है और तमाम हमारे दर्शक होम्योपैथी की चेचक खसरे से बचाव की दवा लेने तमाम होम्योपैथिक डॉक्टर और मेडिकल स्टोर्स पे जाते भी होंगे, तो आपको मालूम है चिकन पॉक्स फैलता है। अब मैं आपको बताता हूँ उसके इन्फेक्शन के विषय में। देखिए, चिकन पॉक्स बहुत इन्फेक्टिव डिजीज होता है, वायरस के थ्रू होता है, और एक और इसमें जो है स्कैब्स निकलते हैं, पपड़ियाँ, पहले छाले पड़ते हैं 2 दिन के अंदर, और उसके बाद उसमें पस्ट्यूल्स होते हैं, वह स्कैब के रूप में आ जाते हैं। अब इसमें जो इम्पॉर्टेंट बताने वाली बात यहाँ है, क्योंकि वक्त कम है, वो जो पपड़ी होती है वो बहुत इन्फेक्टिव होती है। तो वो जब आपके किसी बच्चे या घर में, ये छोटे और बड़े दोनों को हो सकता है, बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि बड़े हैं तो नहीं होगा, ऐसा नहीं है। तो जो पपड़ी निकलती है, वो पपड़ी जब हवा में उड़ती है,
उसमें वायरस होता है वो जब दूसरा व्यक्ति उसके कम्युनिकेशन में आता है, क्योंकि हाईली कम्युनिकेबल डिजीज़ है, वो पपड़ी जो है उसके लगती है, वो उस वायरस के इन्फेक्शन से इन्फेक्ट हो जाता है। तो चिकन पॉक्स एक ऐसा डिजीज़ है कि अगर आपको चेचक हो रहा है तो आप बहुत सावधानी रखें, आप बहुत हल्का खाएं, सूती कपड़े पहनें, जहाँ पे आप लेटे हैं उसके नीचे आप नीम की पत्तियाँ पलंग पे बिछा लें, क्योंकि वो डिसइंफेक्टेंट होती हैं, डिसइंफेक्टेंट होती है और आपको बचाई। और लौकी तोरई और फुलका रोटी उस स्तर का खाना खाएं, आपका चिकन पॉक्स एक हफ्ते में ठीक हो जाएगा। इसकी मेडिसिन, देखिए एक सवाल इसके बीच में मेरे एकदम जहन में आया, अक्सर करके बहुत सारे इस डिजीज को लेके मिथ्स भी होते हैं, तो क्या ये चिकन पॉक्स का जो इन्फेक्शन होता है वो बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को भी कहीं ना कहीं बिल्कुल डैमेज करता है, और खासतौर से आँखों को? चिकन पॉक्स आइस पे आ जाता है, आपकी आंखें बिल्कुल इन्फ्लेमेट हो जाती हैं, रेड हो जाती हैं और आपके लिए दिक्कत का सबब बन सकती हैं। इसलिए जैसे ही आपको चेचक हो तुरंत कुशल चिकित्सक से मिले। यहाँ पर मैं दर्शकों को इसके बचाव की दवा बता देना चाहूँगा। आप लोग अक्सर स्टोर से दवा लेते हैं बचाव की, लेकिन आपको दवा का नाम नहीं मालूम होता। मैं आपको बताऊँगा दवा का नाम। होम्योपैथी में चेचक से बचाव और चेचक के इलाज की दवा एक ही है, और वह है वेरोलिनम। वेरोलिनम 200 पावर में 3 खुराक आप 55 मिनट के फासले पे लेकर आप चेचक हो गया है तो उसका इलाज शुरू कर सकते हैं, और अगर आपको चेचक नहीं हुआ है तो आप वेरोलिनम 200 पावर की एक एक खुराक सुबह शाम 3 दिन तक लगातार खा के अपने को चेचक से 6 महीने तक बचा सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये जो आपने डोज बताई है बच्चों के लिए भी यही डोज? हाँ जी, ये एक दिन के बच्चे से लेकर 100 साल के बुजुर्ग तक डोज है, यही सेम। चलिए डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम अपने दूसरे से तीसरे सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें क्योंकि गर्मी की हम बीमारी की बात कर रहे थे तो इसमें हीट स्ट्रोक हो गया, इसमें हम जॉइंटिस को कर लिया, इसमें मीजल्स और चेचक इस पर डिस्कस कर लिया। हम डर्मेटोलॉजी में आते हैं, स्किन डिजीज के बारे में बात करते हैं। तो अक्सर करके जो खवातीन और जो लेडीज बाहर निकलती हैं, मेल भी, तो उनको एक प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है सनबर्न से, तो रैशेज भी हो जाते हैं। तो इसके लिए क्या सिम्टम्स हैं कि वो रैशेज को पहचाना जाए कि ये बर्न है, ये हीट स्ट्रोक में आया है, तो कैसे आप उसको डिफाइन करेंगे? बहुत अच्छी बात उठाई डॉक्टर साहब आपने। आप मतलब आपने हमको ऐसे सवाल पूछ रहे हैं कि लगभग अगर आप डेविडसन अंग्रेजी की किताब मेडिकल की उठाएं तो भी उसमें यही सब बीमारियां मिलेंगी। डॉक्टर साहब हमसे सारा एक्सट्रैक्ट लिए ले रहे हैं, डॉक्टर साहब की काबिलियत है। स्किन रैशेज जो होते हैं या गर्मियों में होते हैं, और तमाम मरीज रोज़ हमारे यहाँ आते हैं कि यहाँ पर खुजली हो रही है, आर्मपिट एरिया में हो रही है, इनग्वाइनल रीजन में खुजली हो रही है, गर्दन के पीछे खुजली हो रही है, जहाँ पर फोर्स ऑफ जॉइंट हैं, यहाँ पे अगर आपको इचिंग हो रही है, काफ़ी ज़्यादा महसूस हो रही है, और रेडनेस और बर्निंग हो रही है, तो आप मान सकते हैं कि आपको रैशेस हो गए। और उन स्किन रैशेस से बचने का उपाय यही है कि जब भी बाहर आप निकलें, एक आप वो सनरोधक जो क्रीम आती है, सनस्क्रीन लगा के निकलें, उसके बिना ना निकलें, और वो भी क्वालिटी लें, लोकल मार्केट से परचेज ना करें। सनस्क्रीन लें तो बहुत अच्छी कंपनी की लें, क्योंकि उसके जो पार्टिकल होते हैं SPF, उसकी बड़ी वैल्यू होती है। ज़्यादा से ज़्यादा SPF की क्रीम लें, उससे आप रैशेज से बचे रहेंगे। और दूसरा जो आपके एक और इसमें होता है कि पिगमेंटेशन आ जाता है, क्लियाज्मा। गर्मी आई, लेडीज़ कहती हैं कि ब्राउन कलर आ गया, पिगमेंटेशन आ गया स्किन पे। ये और स्किन रैशेस, स्किन पिगमेंटेशन और स्किन रैशेस दोनों से आप इसी तरह बच सकते हैं कि आप सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें, अपने को कवर्ड करके बाहर निकलें, और कोशिश करें कम से कम निकलें। किसी चीज़ का बचाव सबसे अच्छा ही उसका इलाज होता है, तो अगर आप उसका बचाव कर ले गए तो आप रैशेज से बच जाएंगे। और अगर आपको सन से रैशेज आएँ तो और इचिंग हो रही है, तो उसकी होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा मिजेरियम है। आप मिजेरियम 32 बूंद दिन में 3 बार लेकर अपने को स्किन रैशेज से होने वाली इचिंग और बर्निंग से बचा सकते हैं। और इसी में दूसरी जो मैंने बात कही पिगमेंटेशन वाली स्किन में, उसके लिए होम्योपैथी की 2 चीफ रेमेडी हैं। पहली है सीपिया। अगर आपके ब्राउन स्पॉट्स, बटरफ्लाई लाइक या क्लियास्मा आपके हाइपर पिगमेंटेशन है, तो आप सीपिया ले लीजिए। सीपिया 30 पावर में दिन में 3 बार 1 महीने तक ले लीजिए, और साथ में आप कॉलोफाइलम ले लीजिए। अगर आप यह 2 दवा ले रहे हैं तो आपका बहुत उम्मीद है
कि आपका ये एक महीने में ब्राउन पिगमेंटेशन फेड ऑफ हो जाएगा। अच्छा, इसमें अब एक बिल्कुल एकदम मेरे जहन में ये आया कि होम्योपैथी में कुछ ऐसा भी है कि ऑइंटमेंट या लोकल जो कहते हैं हम जहाँ पे सरफेस पे एक्सटर्नल यूज करने के लिए, तो कोई ऐसी क्रीम या कोई लोशन इस तरह का आता है? मैं किसी अच्छे लोशन को अच्छा नहीं मानता। मैं ये कहता हूँ अगर आपके स्किन रैशेज हुए हैं या आपके हाइपर पिगमेंटेशन हुआ है, आप 4000 का ट्यूब लगा लीजिए तो भी आप ठीक नहीं होंगे जी। ठीक होंगे आप दवा से और मैनेजमेंट से और अपने खान पान से। गर्मियों में फिर बात को करते हुए कहूँगा कि पुदीना, धनिया, अमिया जो कच्चा आम होता है, यह सब गर्मी से बचने के सबसे अच्छे उपाय हैं जी। तो आप इनका सेवन करके ही सुबह निकले, बढ़िया 2 ग्लास जलजीरा पी लें तो आपको दिक्कत ही नहीं आने पाएगी। आखिर में डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आखिर में चाहेंगे सारी बीमारियों का जो कंक्लूजन है और इस गर्मी का मौसम है, इस मौसम से बचाव के तौर पर आपका एक मैसेज जो है वो हमारे तमाम दर्शकों के नाजरीन के लिए शायद बहुत तो कारगर साबित हो, तो मैं चाहता हूँ कि आप 2 मिनट के अंदर उस मैसेज को कन्वे कर दें ताकि पूरी डिस्कशन का एक लबो लुआब निकल के उन तक पहुँच जाए समरी के तौर पर। बहुत सही बात डॉक्टर साहब, मैं डॉक्टर साहब के माध्यम से और खदीजा टीवी के माध्यम से अपने दर्शकों से कहना चाहूँगा कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, बचाव ही सबसे अच्छा इलाज है। तो गर्मी कारण जो समस्याएं आ रही हैं, इतनी देर की चर्चा में ये बात निकल के आई कि ज़्यादातर समस्याएं गंदा पानी, इन्फेक्टेड पानी पीने से आ रही हैं, तो सबसे पहले तो आप पानी पीना अपना ठीक करें, फलों और सब्जियों को बहुत अच्छे से धो लें, ये खुली हुई वस्तुएं बाज़ार की ना खाएं, जो खुले हुए फल और कटे हुए फल बाज़ार में बिकते हैं ये ना खाएं, फल कुदरत कवर्ड करके बेचती है, अपने आप छीलें और फल को खाएं, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स लें, कच्चा आम, जीरा पाउडर, पुदीना, हींग, यह सब आपको गर्मी की दवाएं हैं, आपको गर्मियों से बचाएंगी। अपने पेट को हल्का रखें, भूख से 2 रोटी कम खाएं, 2 रोटी ज़्यादा ना खाएं, और अपने को बहुत हाइड्रेटेड रखें, 2 टाइम नहाएं और धूप से आते ही तुरंत ना नहाएं, थोड़ी देर अपने शरीर को ठंडा करने के बाद नहाएं। और साथ में एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि चिल्ड चीज़ों का जो फैशन है इसमें ना पड़े। आपके जोड़ों के दर्द के लिए जो आप चिल्ड कोल्ड ड्रिंक, चिल्ड वाटर, चिल्ड वेदर, यह आपके लिए बहुत नुकसानदेह है। थोड़ा ठंडा पानी पी लें, उतना ठंडा पानी पिए जो आपके रूम टेम्परेचर जितना हो, गर्म ना हो, लेकिन आप चिल्ड पानी ना पिए। अगर आप ये करेंगे तो आपका डाइजेशन भी ख़राब होगा और आपके जोड़ों में दर्द भी, अगला जो आने वाला जाड़ा है उसमें बढ़ेगा। इतना मैं अपने दर्शकों के साथ कहना चाहूँगा। और गर्मी भी एक मौसम है, हिंदुस्तान है, यहाँ पे चारों सीजन इतने अच्छे पड़ते हैं, ये भी एक बड़ी खुशी की बात है। आप चारों का एंजॉय करें, लेकिन थोड़ा सावधानी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने बहुत सारे कम वक्त में और बहुत सारी बीमारियों को कवर करके पूरी इन्फॉर्मेशन आई थिंक दे दी है, और उम्मीद करते हैं कि हमारे नाज़रीन भी इससे ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। नाज़रीन, ये था आपका पसंदीदा प्रोग्राम सेहतमंद ज़िंदगी, और हमसे महल गुफ्तगू थे डॉक्टर उमंग खन्ना, जाने माने मशहूर चिकित्सक होम्योपैथी। तो जाहिर सी बात है कि आप उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर साहब के बताए हुए उन नुस्खों पर अमल करेंगे ताकि आप अपनी सेहतमंद ज़िंदगी को और सेहतमंद बना सकें और अपने इर्द गिर्द गंदगी और बहुत सारी चीज़ों को दूर करें ताकि आप खुशगवार माहौल में खुशगवार ज़िंदगी गुजारें। उम्मीद करते हैं नाज़रीन आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। नीचे बताए हुए ईमेल एड्रेस पर और ईमेल आईडी पर और ये टेलीफोन नंबर पे अपने सवालात हम तक पहुंचाएं ताकि हम कोशिश करें कि बताए हुए जो उन एक्सपर्ट्स से हम आपके जवाबात आप तक पहुंचा सकें। अपने मेज़बान अथर काजमी को इस दुआ के साथ इजाज़त दीजिए कि हम किसी और प्रोग्राम में किसी और शख्सियत से आपको फिर रूबरू कराएंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।